अब बच्चों को नीचे लेके जाना है ना, शाम हो रही है। भोरे 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 सुबह को कहते हैं। संध्याकाळी भगुन मचा, संध्याकाळी भगुन मचा। कुत्र्याच्या नीचा लेगाऊन, कुत्रीच्या नीचा। दो गाली दे दी इसको, कुत्री भी बोल दी, नीच भी बोल दिया। कुत्र्याचा बॉल टाकून नीचा भागून। वेलकम बैक टू आवर चैनल। अभी बज रहे हैं सुबह के 7:30 और मैं आ गया हूँ किचन में कॉफ़ी बनाने। अपनी कॉफ़ी बनाऊंगा, संभावना की बनाऊंगा और उसके बाद उसको उठाऊंगा। आवाज़ थोड़ी थोड़ी बैठ गई है, रात को थोड़ी ठंड ज़्यादा थी मुंबई में, इसलिए ऐसा लग रहा है। केटल भी ख़राब हो गई कॉफ़ी की, तो गैस भी बनानी पड़ेगी। खैर गैस पे पानी उबालना मैंने सीख लिया है, डोंट अंडर एस्टिमेट मी। अभी बनाता हूँ, देखो। गर्म हो रहा है तब तक थोड़ा पर्दे वर्दे खोल देते हैं ताकि घर में क्रॉस वेंटिलेशन शुरू हो जाए। हवा हालांकि बहुत ठंडी आएगी, लेकिन कोई बात नहीं, मज़ा भी तैयार हो गई। लेकिन मुझे लग रहा है कि संभावना जो है वो इतनी जल्दी नहीं उठेगी, तो अपनी एनर्जी वेस्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। पानी उसके लिए दोबारा गर्म कर दूंगा। अभी मैं लेता हूँ अपनी कॉफ़ी और करता हूँ अपना काम शुरू। तो ये रहा दोस्तों मेरा कॉफ़ी का पहला सिप। खूबसूरत सुबह के साथ खूबसूरत कॉफ़ी। पता नहीं क्या टाइम हो रहा है, लेकिन अभी संभावना को नहीं उठाऊंगा, उसको थोड़ा सोने दूंगा क्योंकि ना वो बहुत काम कर रही है, बहुत ज़्यादा। क्या मैं तो सुबह अपना कॉफ़ी बनाने के बाद मैं भी काम करता हूँ, बट मेरा क्या टेक्निकल काम ज़्यादा रहता है। जैसे एडिटिंग कर दी, अपना राइटिंग वर्क कर दिया, या जितने भी चीज़ें पेंडिंग हैं, किसी का बिल पेंडिंग है, कोई और काम है, फ़ोन वाले काम। लेकिन घर पे हाउस हेल्प के साथ जो आती है उसके साथ लग के सारे काम कराना, और कई बार खाना बनाना, बर्तन करना, बच्चों को खाना देना, उनको नहलाना, बहुत थक जाती है। इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि उसको पूरा 2 दिन से तो बिल्कुल नहीं सो पा रही, आज उसकी पूरी रिकवरी होने तो फिर उसको उठाऊंगा। अब 9 बजने वाले हैं, समारोह ने बोला था 9 बजे तक या 9 बजे के बाद ही उठाना मेरे को। अभी मैं आ गया हूँ दोबारा उसकी कॉफ़ी बनाने। गर्म करता हूँ कॉफ़ी और उसको देता हूँ। ये कॉफ़ी बन जाए उसके बाद लगूंगा मैं अपनी एडिटिंग पे। एडिटिंग खत्म होने के बाद फिर हम लोग शायद जाएंगे बाहर ब्रेकफास्ट करने। उठो, 9 बज गए, उठ जाओ जल्दी से। पंखा बंद करो, मुझे जगह दो कॉफ़ी रखने की, मुझे गिर जाएगी। ये मम्मा उठ गई। ओ ये, ओ ये, हमने मम्मा को उठा दिया। गुड मॉर्निंग। कॉफी रख दूं? ए झुनझुन हट, हट जा हट जा हट जा, गर्म है। क्या था ये? क्या कह रही? रुको अभी बोलूंगी। तो दोस्तों अभी वो कॉफी वॉफी पी ले, थोड़ा होश में आ जाए, उसके बाद आप लोगों से मिलते हैं दोबारा और मैं शुरू करता हूँ अपनी एडिटिंग। तब तक हम दोनों फ्री हो जाएंगे, फिर दोबारा आप लोगों से मिलते हैं। कितनी बार बोलूंगा, दोबारा 4 बार बोल दिया। और उधर देखो चेरी ने अपनी परमानेंट जगह बना ली है। गुड मॉर्निंग चेरी, गुड मॉर्निंग। ये गंदा गंदा कहाँ से लगाया हुआ है? मम्मा ने अभी नहलाया था। बिक्किट खाएगा? बिक्किट मैं लेके आती हूँ, रुक यहीं बैठ। चारू खेल रही है, बिक्किट आया है। चलो आप लोगों का खाना गर्म करके खाना खिलाती हूँ। जी मैं उठ गई हूँ भी, और मैं एक बार ज़रा इनका खाना वाना दे दूँ, फिर आपसे दोबारा मिलूँ। जी मैं नहा के आ चुकी हूँ और अब धीरे धीरे घर की सफाइयाँ भी शुरू हो रही हैं क्योंकि काम के लिए वो आ चुके हैं। पता है मेरा नाम संभावना है, उनका नाम भावना है, ये डिफरेंस है। तो दोनों में से किसी को भी आवाज़ दो, दोनों ही पहुँचते हैं या फिर दोनों ही नहीं पहुँचते हैं। तो ये एनीवे हो चुका है आज का दिन शुरू। ब्रेकफास्ट के लिए एज यूजुअल हम लोग तो थोड़ा सा बाहर जाएंगे। बच्चों ने खाना खा लिया है, ये रे बच्चे, ये रे बच्चे। बच्चे खाना खा चुके हैं। चेरी थोड़ा सा नाटक कर रही है, लेकिन चेरी को भी खाना खिला दिया है। और अभी मैं जरा सफाइयाँ वफाइयाँ जो भी है ऊपर ऊपर की वो कर लूँ और फिर आपसे मिलती हूँ। आपको बता दूं, मैंने यहाँ पे चावल चढ़ा दिए हैं, दाल उबालने रख रही हूँ, साथ साथ मैं पका दूंगी सब्जी जो है बीन्स की सब्जी। ये तीनों चीज़ें बन जाएंगी साइमल्टेनियसली, साथ साथ आप मेरे बने रहिए। यहाँ पे चावल चढ़ गए हैं, यहाँ पे दाल उबल रही है। मीनवाल में बनाने रख दूंगी बीन्स की सब्जी और तड़का। जैसे ही दाल पकेगी तड़का लग जाएगा उसमें, क्योंकि एक हाथ से कैमरा पकड़ा हुआ है तो दूसरे हाथ से मैं ऐसे तोड़ तोड़ के डाल रही हूँ चीजें। चल चलो बाल 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 चलो बाल चलो बाल चलो। दाल हमारी उबल गई है तो मैं दाल इसमें शिफ्ट कर रही हूँ और मीनवाल इसको तड़का लगा दूंगी मैं। तो जी यहाँ पे हमारी सब्जी बन गई है ऑलमोस्ट। यहाँ पे मैं लगाने जा रही हूँ दाल को तड़का। तड़के की ऑलरेडी मैंने सारी तैयारी कर ली। यहाँ पे लास्ट एंड फाइनल राउंड ऑफ द तड़का। और हमारा खाना इज रेडी। चावल रेडी है, यहाँ पे सब्जी रेडी है, यहाँ पे दाल रेडी है। जब ये आदमी बोलेगा खाना तैयार है। सो नाउ लेट मी जस्ट क्लीन द किचन, क्योंकि थोड़ी सी मेस्ड अप हो गई है। इसको क्लीन करूंगी और उसके बाद आराम से जाके बैठूंगी। मैं आपको यहीं से दिखा देती हूँ माँ बेटी का प्यार। दोनों में इतना प्यार है, ये कभी मैंने किसी जानवर में ऐसे नहीं देखा है। बच्चे छोटे होते हैं तो माँ प्यार करती है, यहाँ बच्चा भी माँ से भी ज़्यादा लौंठा हो गया है, लेकिन माँ और बेटी का देखो 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 उसके दांत साफ कर रही है। ये दोनों एक दूसरे को ऐसे ही करती रहती हैं। आले आले पापा आ गए पापा आ गए। अरे बेबी मैं इतना अच्छा कैप्चर कर रही थी ना दोनों को। हाँ एक कॉफी बना दोगे? अरे बेबी इतनी कॉफी पी हमने अभी। झूठा आदमी। दोस्तों मैं पहले कॉफी बना के लाती हूँ और फिर बैठ के हम लोग क्या देखने वाले हैं? उसी में से हम दोनों पिएंगे। अभी तो तुमने कहा था लंच टाइम हो गया है, अभी कॉफी नहीं पियेंगे। क्योंकि मैं नहीं चाहता तुम ज्यादा कॉफी पियो, इसलिए तुम्हारे हिस्से का आधा जहर मैं पीना चाहता हूँ। अरे कमीन खोर। कमीन खोर कौन सी गाली है? मुझे हराम खोर बोल रहा था, लेकिन मैंने कहा थोड़ा कम बोलती हूँ, कमीन खोर बोल दिया मैंने। तो जी अभी हो गया लंच ब्रेक। खाना गर्म करना पड़ेगा क्या? पहले 1 सेकेंड ही लगेगा। तो माइक्रोवेव में क्यों नहीं कर ले रहे हैं? गैस है और चल रही है। खाने के मजे दो, खाना तुम्हारे टेस्ट का बना है। तो देखना आके कह रही है कि मेरा कटोरा खाली है। सुनसा पापा का बेटा खाना खा चुका है। वो कह रही है मेरा कटोरा खाली है। सुनसा पापा का बेटा खाना खा चुका है। माँ बाप का बच्चा इतना भी बदसूरत हो उनको खूबसूरत ही लगता है। अब वही होता है ना भी कि हमारा बच्चा तो है ही। देखो तुम्हारे मम्मी पापा भी हमेशा यही कहते थे ना। तुम्हारे भी? मेरे माँ बाप ने कभी नहीं कहा बदसूरत वसूरत, कुछ कहा ही नहीं मेरे माँ बाप ने। ये सुंदर भी है, बस नजर न लग जाए इसको किसी की। अरे इसको किसकी नजर लगेगी? अरे सुनो ना बेबी, कल मैंने वो भी मंगाए थे ना कुलचे, वो भी बचे हुए हैं अमृतसरी कुलचे और छोले। आप चुपचाप अपने दाल चावल खाइए, नहीं फिर वो खराब हो जाएगा ना बेबी। नहीं आप कब से ये चिंता करने लग गए? आप उसकी चिंता मत करिए। नहीं दाल चावल भी खाएंगे, वो भी खाएंगे। सुनो मेरी बात सुनो, पहले मेरे को ये बताओ कि दाल तुम्हें इसके ऊपर ही चाहिए? नहीं अलग से आया बड़ा। वो भी खाएंगे ये भी खाएंगे, गरम कर देते हैं फटाफट। कर देते हैं क्यों? कर क्यों नहीं देते हुए? कर देते हैं क्या होता है। तो दोस्तों मेरी प्यारी तुअर की दाल तैयार है, ये आप देख सकते हैं। अरे तो शादी लग रही है, तड़का नहीं लगाया क्या? बेबी तुम खाना बनाना सीख लो ना। ये जब तड़का नहीं लगाते तो ऐसी दिखती है दाल। अब ठीक लगेगी। इसमें दाल हमारे इसमें तो 2 मिर्चियाँ डालूंगी। दोस्तों तब तक मैं गर्म करता हूँ अपने छोले और अमृतसरी कुलचे। ये भिंडी बीन्स है। बीन्स है? भिंडी ऐसी होती है? ये मोटे बीन्स होते हैं। खराब हो यार, टिपिकल वाले मर्द नहीं होते कि औरत की हर चीज में खामी निकालनी। तुम वही हो। नहीं नहीं मैं अपनी औरत की अच्छाई करता हूँ, उसकी पीठ पीछे और उसके सामने करता हूँ बुराई। देखा तो नहीं मैंने। तो जी मैं आ गया हूँ किचन में। मेरी बेबी बना रही है कॉफी और मेरी बेबी ने घटिया सी सीरीज के 8-9 एपिसोड देख लिए हैं। उसके अंदर भी बहुत तगड़ा पेशेंस है भाई साहब। मैं तो काम कर रहा था, वो देखे ही जा रही है। गंदे से गंदे वेब सीरीज, गंदे से गंदे मेरा मतलब एकदम बकवास। क्या देखती जा रही बेबी? ऐसे ही है सीरीज, बताऊँ क्या देखने वाले। अब मैं मेरी एक आदत है कि देखती हूँ तो मैं खत्म करके ही मांगती हूँ, इसलिए खत्म कर रही हूँ। नहीं तो अगर खत्म नहीं करोगी तो उसके अलावा क्या ऑप्शन है तुम्हारे पास? आप बच्चों को नीचे लेके जाना है ना, शाम हो रही है। भोरे 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 सुबह को कहते हैं, तो शाम को क्या बोलते हैं? संध्या संध्या संध्या। संध्याकाळे बघून मचा, संध्याकाळे बघून मचा, कोत्र्याच्या नीचा लेगाऊन लागून, कोत्र्याच्या कोत्रीच्या नीचा, दो गाली दे दी उसको, कुतरी भी बोल दी नीच भी बोल दिया। नहीं नीचे, नीच मतलब नीचा, मतलब नीचे, कोत्र्याच्या बॉल टाकून नीचा भागुल, भागुल अच्छा बगुला नहीं बोला। नीचे घूम के आती है फिर 3 बार घर पे आके मुड़ती है, नीचे से घूम करके आती है फिर नीचे घर पे आके 3 बार मुड़ती है। मम्मा का जीना आराम का रखा है इसने, पता नहीं इसका क्या डर है कि नीचे ना इसका सब कुछ इसे अंदर को चले जाता है, लोगों का खुलता है कुत्तों का, नीचे जाके ये अंदर दबा के आ जाती है फिर घर पे आके करती है। वो पापा की बेटी, पापा का बेटा। कॉफी बन जाएगी इस साल। और आपको कुछ बिस्किट चाहिए? बिस्किट तो तुम अपनी पसंद के मंगाती हो ना, मुझे वो दे दो, नाचनी चिप्स, नाचनी के चिप्स हैं और सोयाबीन चिप्स हैं। तो जी बच्चों को घुमा फिरा के ले आए हैं, अभी बज रहे हैं रात के 9:30। थोड़ी सी वेब सीरीज देख रहे हैं जिसका आखिरी एपिसोड बचा है और जो बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है, सर के ऊपर से जा रहा है, फिर भी वो देख रही है और ऐसे देख रही है उसको सबको समझ में आ रहा है लेकिन उसको कुछ नहीं समझ में आ रहा है, इसके बाद उसको दोबारा देखनी पड़ेगी। मेरे को इसलिए देखनी पड़ रही है क्योंकि मैं देख रही हूँ, तो मेरी आदत है कि जो मैं चीज शुरू कर देती हूँ उसको जब तक मैं दी एंड नहीं देती हूँ ना, तो वो मेरे लिए प्रॉब्लम है। आपको मिलेंगे अब हम लोग कल, क्योंकि ये दोबारा से रोना रो रही है, जो कि मैं शाम को इनको, तो मैं अभी वो बोल नहीं सकती हूँ क्योंकि गलती मैंने कर दी तो भी ये अंदरूनी रोना शुरू कर चुकी है ये, तो मैं चाह रही हूँ कि अंदरूनी से पहले जो बाहर आए इसका रोना, उससे पहले मैं चेंज करके और मैं बेड में चली जाऊँ। तो आपको मिलते हैं, नमस्ते दोस्तों, आपको मिलेंगे कल के ब्लॉग में। टिल देन डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल विच इज समामा से एंटरटेनमेंट। चिंचा की जगह छीन ली उसने, वो देख लो ना, चिंचा लड़ा था ना थोड़ा।